हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर पार्ट टू। अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड इट रेफर्स टू एज वाटरफॉल आई वांटेड टू गेट इनटू देम एंड व्हेनेवर आई डिड वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट हियर आईसी रेफर्स टू एज चिलिंग। तो ऑथर बोलते हैं कि कुछ साल बाद भी जो है टेरर ऑफ वाटर है वो उनके दिल से नहीं गया और उसकी वजह से वो कुछ भी जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो वाटरफॉल हुआ। और यहाँ पे वो सारी चीजें जो है वो मेंशन करते हैं, या तो वो वॉर्म लेक हुआ, वेडिंग हुआ, बम्पिंग रिवर हुआ, वो जो है कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे इसकी वजह से। दिस हैंडीकैप स्टेड मी एज द इयर्स रोल बाय इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन दिस रेफर्स टू एज अ फिश नेम Bass fishing in New Hemisphere, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade whenever I went. The haunting fear of the water followed me. तो ये सब जो है types of fishing जो है mention करी गई हैं। वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी जो है fear of water की वजह से enjoy नहीं कर पा रहा था और it ruined my fishing trip, deprived me of the joy of canoeing, it refers to as small boats, boating and swimming। और वो है मेरी fishing trips ruin कर पाया था, ना मैं swimming कर पाया था, ना मैं boating कर पाया था और fear of water जो है उनको कुछ भी enjoy नहीं करने देता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly on its grip। और उन्हें हर possibility try करी कि वो इस fear of water से जो है अपने आप को जो है मुक्त करें, but वो जो है fail हो गए। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim। और उन्हें भी decide किया कि वो जो है अब instructor जो है लाएंगे और swimming जो है सीखेंगे। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day। The instructor put a belt around me, a rope attached to a belt went through a pulley that ran on an overhead cable। और जो इंस्ट्रक्टर है वो उनके अराउंड में जो है एक बेल्ट बांधे थे और बेल्ट से अटैच होती थी रोप, और जो रोप है वो जा रही थी ओवरहेड केबल से, और जो उसका अदर एंड है रोप का वो जो है इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता। ही हेल्ड ऑन टू द अदर एंड ऑफ अ रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। और उसके बाद जो है वो कई जो है हफ्तों तक जो है प्रैक्टिस कर गए बैक फोर्थ जो है पूल में जाने के लिए। और ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ अ पैनिक सीज मी, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और वो कहे थे कि हर टाइम पे जो इंस्ट्रक्टर है हर बारी में जो है वो रोप जो है थोड़ी लूज कर था और मैं जो है डीप चला जा रहा था और पूल के अंदर, और कभी कभार तो मेरे जो लेग्स हैं वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, फ्रोज हो जाते थे, जो टेरर है मेरे अंदर जो है आ जा रहा था दोबारा। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। और उसके बाद जो है वो ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है इंस्ट्रक्टर ने उनको एक्सरसाइज बताई एक्सहेल एंड इनहेल की जब वो वाटर में हो, और जो वो ये एक्सरसाइज थी वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो है वो रिपीट करा कर रहे थे, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। तो इसमें जो है आप कोटेशन ये भी डाल सकते हो मेंशन करके कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Next, he held me at the side of a pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. और उसके बाद जो है उन्होंने उनके जो पैरों को जो है चलना सिखाया, जैसे स्विमिंग करनी कैसे। और उसके बाद जो है पहले तो उनके जो लेग्स हैं दैट रिफ्यूज टू वर्क, और यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, लेकिन उसके बाद जो है वो अपने जो लेग्स पर जो है कमांड कर। Thus piece by piece he built a swimmer and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of a pool, crawl, stroke. और उसके बाद जो है ऐसे ही उनको पीस बाय पीस जो है वो स्विमर जो है बन गए। उन्होंने अलग अलग चीज जो है सिखाई थी उनको एक साथ रखा, उसके बाद जो है उन्होंने उनको बोला कि अब आप स्ट्रोक मारिए, और ये सब जो हो गया आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश। और जब उन्होंने ऑथर ने करके बताया
बता दिया था इंस्ट्रक्टर की जो जो काम था वो है जो था वो खत्म हो गया काम, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन अभी भी जो ऑथर है उसको लग रहा था कि पता नहीं कहीं टेरर जो है मेरे अंदर से गया है कि नहीं. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल. आई ट्राइड इट. और फिर ऑथर को लगा कि क्या टेरर जो है वो नहीं आएगा जब मैं पूल के अंदर अकेला हूंगा. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. टाइनी वेस्टीज रेफर्स टू एड ओल्ड मेमोरीज. Of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me. Well, here's to you. Look and off. I'll have to go on the leg of the pool. और उसमें ये भी personification है. और यहाँ पे जो है author बताते हैं कि उसके बाद जो है उन्होंने कैसे practice करी instructor के बाद भी. और फिर जो है personification दिखाया है यहाँ पे कि कैसे वो terror से बात कर रहे हैं. This went on until July. April में जो है उनकी practice खत्म हुई थी. उसके बाद जुलाई तक जो है ये चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. उसके बाद भी जो है ऑथर जो है सेटिस्फाइड नहीं थे. उनको भी डर था कि कहीं जो टेरर है वो उनका वापस आ न जाए. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. सो आई वेंट टू ले वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम टू माइल्स अक्रॉस द लेक ऑफ टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. उसके बाद जो है वेंटवर्थ न्यू हेमिस्फीयर में गए. उन्हें डाइव्ड ऑफ किया, स्वैम किया 2 miles तक और वो दूसरे लेक स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे पहुंच गए. आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक. आई पुट माय फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. और बताते हैं कि एक समय पर जो है टेरर ऑफ वाटर जो है उनको वापस आ गया जब वो मिडल ऑफ द मिडल में थे बिल्कुल और मिडल ऑफ द लेक में थे. और जब उन्होंने अपना फेस जो है वाटर के अंदर डाला तो उनको कुछ नहीं दिखा, ओनली जस्ट अ बॉटमलेस वाटर. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जो है उनका टेरर है वो वापस आया. आई लव्ड एंड सेड वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. उसके बाद भी जो है वो हंसे और फिर यहाँ पे दोबारा पर्सोनिफिकेशन दिखाया है कि उन्होंने टेरर से बात करी और फिर जो टेरर है उनका चला गया और वो हंसे. उसके बाद जो है वो दोबारा जो है तैरने लग गए. यस येट आई हैड रेजिड्यूअल डाउट. रेजिड्यूअल रेफर्स टू रिमेनिंग. उसके बाद भी उनको जो है 100% जो है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ. उनके पास स्टिल उनके में जो है डाउट्स थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हैड वेस्ट वेंट अप टू अ टाइटन टू कॉनगर्ड मेडोज अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर्स एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव इन टू अ लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर एंड बैक. जस्ट एज डॉन कॉर्पन ये एक स्विमर है यूज टू डू. आई शाउटेड विद जॉय एंड ग्लिबर्ट पीक रिटर्न द एको. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. उसके बाद जो उनके जो डाउट्स थे वो भी उनके जब क्लियर हो गए जब वो जो है वॉर्म लेक पर गए. उन्हें डाइव्ड और किया, स्वैम अक्रॉस द अदर शोर और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉग कॉर्पन ने किया था. ये एक स्विमर है और उसके बाद उनको फाइनली रियलाइज हुआ कि अब उन्होंने जो है अपनी फियर ऑफ वाटर जो है चला गया और उनको उन्होंने जो है जीत हासिल कर ली है. The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror and conquer it can appreciate. और बताते हैं कि जो experience है वो मेरी life में बहुत ही ज़्यादा deep meaning है इसका. क्यों? और वो ये बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ वो ही लोग appreciate जो है कर सकते हैं जिन्होंने ये terror जो है महसूस किया है और उसके बाद जो उनको उसको conquered किया, उसको जो है उसके बाद उनको जीत जो है हासिल करिए, वो ही जो लोग हैं मुझे अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं इस बात के लिए. इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. उसके बाद वो बोलते हैं कि जो मरने पर तो बिल्कुल पीस है, सिर्फ मरने का जो डर है उसमें ही आपका फियर है, टेरर है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें सिर्फ फियर से ही डरना चाहिए, ये जो है रूजवेल्ट बोलते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आप जो है आप क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हो आने के लिए. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. Intensity here refers to as, मतलब
आप अपने करेज और अपने हार्डवर्क से जो है कुछ भी जो है हासिल कर सकते हो। और वो ये भी बताते हैं ऑथर कि उन्होंने दोनों सेंसेशन, दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग की, मतलब जब वो मर रहे थे, पूल में थे जब वो छोटे थे, वो भी, और द टेरर ऑफ फियर इट कैन प्रोड्यूस, और फियर था जब वो अपनी कुछ भी चीज एंजॉय नहीं कर पाए थे, वो भी उन्होंने जो है महसूस की है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रूश असाइड फियर। तो यहाँ पे जो है ट्रेल्स जो रेफर्स करता है ट्रैक्स को, और रिलीज रेफर्स करता है कंफर्टेबल को। तो वो बोलते हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मैंने जो अपने फियर ऑफ वाटर को है कॉन्कर कर लिया है, और अब मेरे अंदर कोई भी फियर नहीं है वाटर को लेके। तो डीप वाटर में आप जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये है। पहला जो नॉर्मली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द विलियम। तो इसमें आपको पूरी मेंशन करनी है कि इंस्ट्रक्टर ने कैसे रोप बांधी थी और क्या क्या एक्सरसाइजेस दी थी, ये सब इंस्ट्रक्टर के बारे में मेंशन करना है। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि हाउ डज द डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसमें आपको जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको कैसे उसने ओवरकम किया उसके फियर ऑफ वाटर को, वो सब इसके बारे में मेंशन करना है। चाहे वो इंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन करना है, उसके बाद जो वो जो है अपने जो सेल्फ उन्होंने टेस्ट की अपने आप को ग्लेशियर्स में जाकर और वेंट फोर्थ में जाकर हेमिस्फेयर में, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट, लाइक, एंड आई एम ऑल्सो अपलोडिंग दी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर सून। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।